आज का मैच चेन्नई बनाम दिल्ली। चेन्नई अगर ये मैच जीत जाता है तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएगा। अगर दिल्ली जीत जाता है उसको चारों मैच जीतना है इसके बाद कंपलसरी, एक भी हारता है तो ऑलरेडी लास्ट टीम है तो सबसे पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नंबर एक नंबर दो ऑलमोस्ट जा चुका है, नंबर एक तो जा ही चुका है कंफर्म है, दो भी आज चेन्नई जीत गया तो चला ही जाएगा, साथ में डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मैच, चेन्नई सेफ रहना चाहेगा, धोनी की कप्तानी में एक बार फिर नॉकआउट का हिस्से में पहुंच सकता है। इसका कॉल आता हुआ दिल्ली के कप्तान की तरफ से, हम बने हैं यहाँ पे चेन्नई और जिम्मेदारी रहेगी हमारे ऊपर दिल्ली के सफर को खत्म करके अपने सफर को नॉकआउट में पहुंचाने की। और सब सही रहा तो मैं जाऊंगा भाई धोनी का मैच देखने अहमदाबाद में। दिल्ली कैपिटल्स ने बॉलिंग का फैसला किया, बट उसके लिए चेन्नई को टॉप टू में रहना पड़ेगा और हारना पड़ेगा, या 3-4 पे रहना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। तैयार हम लोग एक्शन के लिए। प्लीज भाई जो भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट जो चैनल में वीडियो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने की थोड़ी भी इच्छा हो यार एक लाइक जरूर कर देना वीडियो पे, बाकी कमेंट कर देना क्या लग रहा है। हाँ दोपहर को कौन सी टीम बने ये बता दो, क्योंकि दिल्ली भी बन चुका हूँ मैं, चेन्नई भी बन चुका हूँ, थोड़ा सा चेन्नई का चांस ज्यादा है, बट कमेंट अगर कुछ कहती है अलग तो कुछ अलग भी ट्राई कर सकते हैं। कौन भी तैयार है एंड इट नॉट या पहली बॉल इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेस जब होता है तो समझ नहीं आता है। सिक्स लगा दिया है, आइडियल हिस्से पे हिट किया है, आज का दिन बहुत बड़ा रहने वाला है चेन्नई के लिए। कुछ लोग कहते हैं भाई अब सिक्स से शुरुआत करोगे तो बड़ा रन बनेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है इस गेम में। 137 बने जो कि एवरेज है, चाहे एक मारो डॉट मारो बोल्ड हो जाओ तब भी बन जाता है, बट हाँ बोल्ड होने पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है कम रन का, बाकी शुरुआत नॉर्मली रहती है। अक्षर पटेल आ रहे हैं गेंदबाजी में, ऋतुराज गायकवाड अभी भी है पिच पे, रेड जोन में है, लेकिन नहीं तो लगा मैं बैटिंग कर रहा हूँ बॉलिंग कर रहा हूँ सॉरी। एक रन हमें दिमाग से निकल गया, 50 पूरे हुए हैं 43 बॉल्स में, बट भाई अब आने वाली जो 50 है कोशिश करो 23 में हो जाए तो भी ठीक है, 38 बीट करना, वो भी 38 भी नहीं हाफ बीट करना बहुत आसान। खराब फील्डिंग कहूंगा मैं दिल्ली के कप्तान की, हाफ में कौन रखता है भाई डेथ ओवर्स में, अभी भी सुधरे नहीं है। फ्लाइट हिट कर रहा है, बच गए, मैंने उम्मीद खो दी थी, रन दबाने वाला भी छुड़ा दिया था मैंने कि अब तो गया ये कैच, अरे बहुत लेट हो गया था शॉट खेलने में, फ्लाइट गेंद थी ना इंतजार करता रह गया। बाउंड्री को कवर करते हुए हम तेज गैप शॉट लगाना चाहते हैं, सिक्स जा रहा है इसलिए कोई मतलब ही नहीं फील्डर से। गायकवाड जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा रहा है गेम, लेकिन और ये भी सिक्स जाता हुआ, कोई मतलब नहीं भाई फील्डिंग से, दो शॉट्स बैक टू बैक सिक्सेस। हम भाती रायडू बैक फुट ड्राइव, गैप है, आउटफील्ड देखनी होगी कितना नुकसान करती है, कुछ नहीं कर पाई, चार रन से नहीं रोक पाई है। 16 में 34, थैंक यू, मैं चाहता था बैक फुट आए गेम, 6 रन, अभी बैक फुट चाहता हूँ, अटेम्प्ट किया है, स्क्वायर कट खेला है, गुड है, आई थिंक बैक फुट फ्रंट फुट दोनों का शॉट था। ये स्पिनर आए हैं, एक स्विफ्ट ट्राई कर रहे हैं, सही है भाई, फील्ड तो है ही कमाल की, 4 रन, लॉफ्टेड की कोशिश, फील्डिंग खराब, पिछली बार मैं आउटफील्ड के बारे में कह रहा था, इस बार फील्डिंग ही खराब है। 6 49 78, गलत फील्डिंग कंटिन्यू, फील्डिंग सेटअप कंटिन्यू, 4 रन, स्ट्रेट शॉट की बारी, सही सोच, अक्रॉस खेल रहे थे अभी तक हम लोग, सही गेंद लगी ऑफ स्टंप पे और सीधा 6 रन। कुलदीप बीट कराया है, पहली बार बीट हुआ मैं आज के मैच में, फुल लेंथ है, लॉफ्टेड तो लगेगा ही लगेगा, गैप में हिट है, आउटफील्ड की अभी तक तारीफ हुई, बट इस बार हाँ इस बार दम नहीं था शॉट में, मैं आउटफील्ड को हर बार अपने सपोर्ट में नहीं रख सकता, उसने ऑलरेडी साथ दिया है। 3 रन, 50 पूरे की, अम्बाती रायडू ने भी सेंचुरी, पता नहीं अभी क्वेश्चन मार्क है, अपना पुराना स्पिनर वाला शॉट फील्डिंग में भी चूक कर दिया, और ये 4 जाएगा गली में से, 200 पूरे हो गए 20 तो ओवर शुरू होने से पहले ही। शो के नौटिया आए हैं, सही गेंदबाज है, बस अगर इनके बैकफुट पेस को मैंने पढ़ लिया तो इनकी लगेगी वाट, और पहली गेंद से हो गई है शुरुआत उसकी, 4 रन, लॉफ्ट खेला था बट पता नहीं कैसे दब गया शॉट, किधर से अगला शॉट, पेस का जादू एनिक नौटिया, जिसके लिए मैंने कहा था कि सही गेंदबाज हैं ये इस सिनारियों के लिए, जब इनकी पेस आप नहीं पढ़ पाते तो फिर कोई चांस नहीं रहता आपका। स्पिनर पे आप थोड़ा बहुत हो सकता है कि मिस हो गए, बीट हो गए, बट यहाँ पर तो भाई शॉट मिस होना मतलब गया, फिर 38 पे वो भी अच्छा खासा अंदर रखे हैं फील्डर, इस फील्डिंग सेटअप पे तो मुश्किल है बच पाना गलत शॉट खेलने में। मौका है गायकवाड़ के पास, लास्ट 3 गेंदे, सेंचुरी का एफर्ट तो डेफिनेटली दिखाएंगे, और बैक फुट पे पॉइंट पर से 1 बाउंस 4 95, दो चीजें मैंने डिसाइड की थी 100 और 220, और यहाँ पर एटलीस्ट सेंचुरी डन हो गई है, लास्ट बॉल पे 2 चाहिए होंगे 220 के लिए, बट अभी के लिए एक माइलस्टोन गायकवाड़ के नाम आता हुआ, ऋतुराज रनराज बनते हुए, इनको तो रनराज ही कहता हूँ मैं भाई, पिछला सीजन जबरदस्त था,
चेन्नई लुक्स सुपर सॉलिड लास्ट बॉल 6 224, बहुत ही बढ़िया रन, इससे बेहतर एक्सपेक्टेशन मैं कर नहीं सकता था। 130s में थे, अराउंड 100 लगा के गए हैं लास्ट की 5 ओवर्स में। बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, मैं नहीं मान रहा दिल्ली के चांसेस यहां से हैं। 70-30 रेशियो रखो, ये है समरी। हाँ, ऐसा नहीं कि एआई को हमने मारते हुए नहीं देखा, एआई ने तो 250 भी मारा है, 245, 230 भी बहुत बार मारा है, बट जब चेंज करने की बारी आती है ना तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। पथिराना सामना करेंगे शॉ का, नो चेंज इन द फील्डिंग, हमने लगाया था 6 और दिल्ली लगा रहा है ऑलमोस्ट सेम शॉट बट 1 bounce 4, दिक्कत हो गई, एक 4 विकेट गिर गई इनकी, 34 रन ही है। अभी एक डक पे प्लेयर आउट हुए, डेवन कॉनवे गेंदबाजी में, मैं इनको दूंगा नहीं, स्लिप रखी है। बाकी फील्डिंग आप देख सकते हो, 3 off 2 लेग डीप में, दूसरे जडेजा ऑप्शन है, ऑप्शन की थोड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन क्रॉस गेंद, अब फील्डर है दोनों तरफ तो उम्मीद थी शायद रुकेगी बट नहीं। पटेल ने मारा है चौका, और राउंडर है ये तो बड़े हिट की थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हो, बट इतने बड़े रन थोड़े डाउट में हूँ कि ये इतनी बड़ी पारी खेल पाएंगे कि ये 90+ चेस कर जाए। पहली बॉल बल्लेबाज के नाम, दूसरी बॉल भी बल्लेबाज के नाम, नाम में भी अक्षर है भाई यहाँ पे तो, पिछली दो गेंदों पे, तीसरी बैच ये भी अक्षर के नाम, अरे बाप रे, गली वली में से एज जाता है तो पॉइंट को थोड़ा वाइड करना पड़ेगा। ये कैच का चांस, पहला लॉफ्टेड शॉट, पहला प्रॉपर शॉट भी जो मिडलिंग हुआ, 18 का रन रेट इस वक्त, और एक और लॉक, बट कैच का साउंड भी साथ में आया है, नीचे आ रही है गेंद, आंखों पर नजर होगी कहां पे क्या रिजल्ट, ये तो हाथों में है दोस्त। अक्षर पटेल 10 गेंदों में 24, लेकिन ये जो 4 गेंदें खेली थी ना, 4 12 18 रन जो मारे, उसने चेन्नई के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया था। एक समय मुझे लगा कि शायद 2 ओवर निकाल जाते ऐसे 24 24 वाली तो फिर तो खत्म ही था, 20-20 वाली निकाल जाते तो भी ठीक था, बट नहीं, पारी हुई है समाप्त, और लो रेटेड प्लेयर आएंगे। एक खिलाड़ी जो थोड़ा सा गेम चेंज कर सकता है, पृथ्वी शॉ, और पहला ये भी कैच का साउंड आया है, नजर होगी फिर से एक बार फील्डर के ऊपर, इस बार गेंद लेकिन नीचे नहीं आ रही, देख रहे हो लास्ट टाइम नीचे आई थी, इस बार बल्लेबाज फील्डर बाहर जा चुका है बाउंड्री के। 6 ओवर 12 12 24, लास्ट ओवर की दिक्कत हो सकती है, पहले ही सेट करोगे, बीट शाबाश जड्डू, 11 गेंदें जड्डू की हैं तो होपफुल हैं हम लोग, शॉट मिस हो रहे हैं, आउटफील्ड तो करेगी साथ, बट गैप में तो खेलो पहले, एक रन, एग्जैक्ट 18 का रन रेट, पिछली बार मैंने कमी निकाली थी इनके में, रोक सकते हैं, अरे यार लास्ट 3 गेंदें बीट, ये जितनी बार दिमाग से खेलने जा रहे हैं ना बीट हो रहे हैं, समझना चाहिए इनको, इट्स ऑल अबाउट द मसल नाउ। पहली गेंद बीट हुई थी, चौथी गेंद बीट हुई थी, दोनों पे धीरे खेलने के मूड में थे, पुश करने के मूड में थे, ये क्रॉस जा रहा है इसलिए भरोसा नहीं, रोक लिया है 2 रन, आखिरी गेंद सिर्फ 7 रन आए अभी तक, एडवांस 6, ठीक है 13, ऐसा 13 का एक और ओवर निकल जाता है तो भी सही रहेगा मैच, एक ओवर बाकी भी है जड्डू का, तो शिवम दुबे ही मोस्टली लास्ट ओवर करने वाले हैं, बट वो 24 रन देंगे तब नहीं मिलेगी, डॉट गेंद ये अच्छा है, पिछले ओवर में भी दिल्ली से गड़बड़ हुई है, एक और गड़बड़ वाली नहीं चलेगी यहाँ पे, 2 डॉट, अब भाई दिक्कत वाला खड़ा हो गया है मामला, डिसअपॉइंटिंग। आखिरी 9 गेंदे स्ट्रेट शॉट, ये थोड़ी सी राहत ही छड़ लाएगा दिल्ली के लिए, नर्वस 90s बहुत क्लोज, फिर यॉर्क अब मत डालना, अब नहीं डाल रहा मैं, आज अच्छा खेल रहा है यॉर्क, उसको नर्वस 90s में ही पहुंच गए, और ये होगा निर्णायक ओवर, ये ओवर में कर गया ना अपने नाम, कैच ड्रॉप धोनी भाई, हमने करते हुए देखा है यार कैचेस टीमों विकेट कीपर्स को, एक रन स्ट्राइक रोटेट 94 पे शॉ 11 में 43, और ये कैच स्लिप में सीधा रखना सफल, अपील करो डेवन भाई, डेवन कौन में आउट 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 आउट, जड्डू को मिल गई सफलता, गया मैच, अब दिल्ली नहीं जीतना मैच भाई, मैं सेट हूँ, इस तरह से गया कैच, और हाँ भाई एंगल वाली गेंद आज भी भरोसा था स्लिप में जाएगी गेंद, नेक्स्ट टाइम देखेंगे थोड़ा पॉइंट को वाइड रखेंगे थर्ड मैन के करीब, मुझे लगता है ये गेंद पर 100 नहीं हुआ ना शॉ का, तो नहीं होगा भाई, और बाकी जड्डू भाई ने जितवा दिया मैच, तेज बॉल ऑफ स्टंप पे बैक फुट पे 4 यादों का स्ट्राइक नहीं मिल रहा शॉ को, अब मेरी भविष्यवाणी कितनी सही होती है पता लगने वाला है, लीव कर रहे हैं, वाह भाई वाह, 3 में इनको 5 करना है, टीम को 35 सही जा रहा है, ओ भाई 96 नहीं कर रहा है ये, लास्ट 2 गेंदे 1 गेंदे, देख लो भाई कौन सी पिच है जहां पे बल्लेबाज लीव करता है या बीट होता है, ये लाइन पे आप अपनी गेम में ट्राई कर देते हो, 3 गेंदे डॉट हो गए डेथ ओवर्स में, सोचो 100 पे बंदा पहुंच रहा है और ये लीव कर दिया ये भाई, फोटो ले लो भाई इसका, इस पिच का, जिनके पास क्रिकेट 22 है ट्राई करना ये लाइन लाइन पे, क्या यही इस लाइन पे तेज गेंदबाज के सामने डेड हो जाता है क्या,
हो सकता है हमने कोई ऐसा हिस्सा ढूंढ लिया हो पिच का जहाँ पे डेड जोन हो एआई की सोच का, तो आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी रात को भाई चेन्नई जीत रहा है, सॉरी दिल्ली फैन, आपका सफर 2023 आईपीएल का पूरा हो जाएगा। चेन्नई भाई तैयार करो, मैं फिर से कहूंगा, मैं चाहता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ लाइव स्ट्रीम में, मतलब मुश्किल लग रहा है मुझे, बट मैं चाहता हूँ कि सेमीफाइनल जो मतलब सेकेंड एलिमिनेटर है ना अहमदाबाद में जो होने वाला, वो चेन्नई वर्सेस पंजाब में हो। लेट्स सी मेरी इच्छा पूरी होती कि नहीं, बाकी तो देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रीम में, प्लीज लाइक कर देना। बाय बेटा, गुड डे।